बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड बॉक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमे वाले नान की रेसिपी। तो कीमे वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कीमा, इसको अच्छी तरह से धो लिए और इसमें डालेंगे हम तकरीबन दो कप के जितना पानी, दो कप के जितना पानी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि कीमा जो अच्छे से पक जाए। अब कीमे में तीन से चार टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे और इसी के साथ इसमें एक चम्मच जो है वो अदरक लहसुन जो है वो कुटा हुआ डाल देंगे। इसमें एक कदर टमाटर डाल देंगे थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो इसमें एक अदद प्याज डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। कुछ मसालों में इसमें डालेंगे काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, सुरख मिर्च, नमक और जीरा, ये सारी चीजें डाल देंगे। अब कीमे को 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। कीमे को जो अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए पका लिए तो जो है वो ऑफ कर देंगे और इस मटेरियल को ठंडा होने देंगे। मैदे की दो तैयार करने के लिए आधा कप नीम गर्म पानी ले लेंगे, आधा कप नीम गर्म पानी ले लेंगे और उसमें एक चम्मच जो है वो ईस्ट डाल देंगे। इसको मैंने थोड़ा लेवल अप कर लिया है और इसमें एक चम्मच जो है वो चीनी डाल देंगे और इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। इसे दो कप मैदा ले लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। इसमें आधा कप के जितना दूध डाल देंगे और चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये जो ईस्ट मिक्सचर रखा था हमने मिक्स करके उसको इसके साथ डाल देंगे। डो को अच्छे से रेडी कर लेंगे। डो को कूदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगाएंगे। इसको ढक्कन की मदद से या प्लेट की मदद से कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। नान का मिक्सचर जो है वो डबल हो गया साइज में। इसको प्रेस कर लेंगे
तो अब फिर से डो को गूंद लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर की हवा थोड़ी सी निकल जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो तैयार किया, इसका एक बॉल सब बना लेंगे पेड़ा। इसके बाद इसको बेल लेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें जो कीमा बनाया था स्टफिंग के लिए वो इसमें रख देंगे। अच्छे से कीमा स्टफ करने के बाद नान को जो है वो अच्छे से प्रेस कर लेंगे, बंद कर देंगे इसे। तवा जो है ये मैं नान तवे के ऊपर बना रही हूँ। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो इसको पहले प्री हीट कर लें 180 डिग्री पे और फिर इसको बेक कर लें 20 से 30 मिनट के लिए। नान के ऊपर दूध लगा देंगे। दूध लगाने से नान जो है वो नरम रहता है। इसके ऊपर तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और हाथ की मदद से इसमें निशान लगा देंगे। इसको उठा लेंगे एहतियात से और नान की बैक साइड पे हाथ की मदद से पानी लगा देंगे ताकि ये तवे के साथ चिपक जाए। इसी तरीके से हम सारे नान बना लेंगे। जो ही नान में बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को जो है वो दूसरी साइड को भी पका लेंगे। अब नान को दूसरी साइड से पका लेंगे, मतलब फ्रंट वाली साइड से। इसके लिए नान को उल्टा करेंगे और इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे। नान को इसके ऊपर उल्टा कर देंगे आग पे और थोड़ा थोड़ा इसको रोटेट करते जाएंगे ताकि नान को इवनली कलर आ जाए। नान जो है वो रेडी हो गया। अब इसको उतार लेंगे। मज़ेदार से कीमे वाले नान जो है वो रेडी हो गए हैं। उनको गर्मा गर्म खाएं। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल फूड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। आप इसे अमन में भी बना सकते हैं, लेकिन अमन जो है 180 डिग्री पर प्री हीट कर लें और इसे 20 से 30 मिनट के लिए इसमें बेक कर लें। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।